पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड स्थित पुलिस स्मृति स्थल पर वीर शहीद पुलिस जनों की स्मृति में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडीजी दावा शेरपा, आईजी एडीजी जय नारायण सिंह, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव सहित सभी क्षेत्राधिकारी और पुलिस के ऑफिसर और जवान मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके तथा पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें सलामी दी गई तथा उनके बलिदान को याद किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 1959 में सीआरपीएफ जवानों की एक टुकड़ी चीन की सीमा पर तैनात थी। 31 अक्टूबर 1952 को गश्त के दौरान चीनी सेना ने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग नामक स्थान पर सीआरपीएफ के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला कर दिया। इसके बावजूद सीआरपीएफ जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर संसाधनों की कमी होने के बावजूद चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने कहा, स्मृति दिवस 2019 जनसेवा का उच्च आदर्श दिव्यांगन के अनेक पुलिस जन प्रति वर्ष कर्तव्य पथ का अनुगमन करते हुए वीर गति को प्राप्त होते रहे हैं। पुलिस जनों के कार्य की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि इसमें कदम कदम पर जोखिम व जीवन भय सम्मिलित है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष अपने कार्यों को अंजाम देने की प्रक्रिया में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कर्तव्य की बलिदेवी पर अपनी प्राण आहुतियाँ देते रहे हैं। अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जनसेवा के उच्च आदर्श के प्रति मर मिटने से भी गुरेज न करने वाले ये पुलिसजन मर कर भी अमर हो जाते हैं। इनकी कीर्ति व यशोगाथा समय के साथ क्षरित नहीं होती अपितु अविरल अनुप्राणित करती रहती है। पुलिस की भावी संततियों को उसी पथ पर
द्विगुणित साहस व मनोयोग से आगे बढ़ने के लिए ऐसे एक गाथा आज से 60 वर्ष पुरानी है। भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख का जनहीन क्षेत्र 15,000 फीट से ऊंचे बर्फ से ढके पर्वतों दर्रों के बीच जहां की सामान्य नागरिक सुविधाओं के उपलब्ध होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है, वहां सदैव की भांति उस दिन भी देश की सीमा के सजग करी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान अपने नियमित गश्त पर निकले थे। गश्त के दौरान अचानक उन्हें लगा कि वे शत्रु से घिर चुके हैं। चीनी सैनिकों ने छलपूर्वक हमारे क्षेत्र में आकर हमारे ही सिपाहियों को पकड़ने के लिए एम्बुश लगाया था। चीनियों ने दावा किया था कि वह क्षेत्र उनका है, पर भारतीय पुलिस के जवान जो कि अपने परिजनों को छोड़ सुख सुविधा से दूर उस निर्जन क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा कर प्रण लेकर आए थे, अपने मातृभूमि का एक इंच टुकड़ा भी शत्रु को कैसे सौंप देते। प्राण देकर भी मातृभूमि की रक्षा करने की भारतीय बहादुरों की परंपरा पर उन्होंने आँच नहीं आने दी तथा साधारण शस्त्र के सहारे ही ये जवान स्वचालित राइफलों मोर्टारों से लेस चीनी सैनिकों से भिड़ गए। इस प्रकार भारतीय पुलिस बल के 10 बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। इस घटना का समाचार पाकर सारा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। 21 अक्टूबर 1959 का यह दिन हमारे जवानों की प्रेरणा का एक अनन्य स्रोत बन गया है। मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग कर देने वाले बहादुरों का बलिदान सदैव हमारे अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। इन्हीं वीर जवानों की याद में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को संपूर्ण भारत के पुलिस जन वीर गति को प्राप्त हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शत शत नमन उन बहादुरों को जिनके लिए कर्तव्य पालन प्राणों से भी अधिक प्रिय रहा है। आज़ादी के पश्चात 21 अक्टूबर 2018 तक 34,844 पुलिस जवान कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए हैं, जिनमें अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी बड़ी संख्या में पुलिस बलों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन सभी शहीदों को याद करते हुए गत वर्ष 21 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है। दिनांक 1 सितंबर 2018 से 31 अगस्त 2019 तक की अवधि में संपूर्ण भारत में 292 पुलिस जनों द्वारा कर्तव्य की वेदी पर अपनी जीवन आहुतियाँ दी गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 2, अरुणाचल प्रदेश 3, बिहार 7, छत्तीसगढ़ 14, हरियाणा 3, हिमाचल 1, जम्मू कश्मीर 24, झारखंड 5, कर्नाटक 12, मध्य प्रदेश 2, महाराष्ट्र 20, मणिपुर 2, उड़ीसा 2, राजस्थान 10, सिक्किम 1, त्रिपुरा 1, उत्तर प्रदेश 5, उत्तराखंड 1, पश्चिम बंगाल 7, दिल्ली 10, आसाम राइफल 3, BSF 41, CISF 6, CRPF 67, ITBP 23, SSB 5, NDRF 4 एवं RPF 11 जवान सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिसजन इनके महान कर्तव्य पालन व अप्रतिम बलिदान की सराहना करते नतमस्तक है और अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
आज 21 अक्टूबर हर वर्ष की तरह हम लोग अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसे आपको तो पता ही है 21 अक्टूबर को लद्दाख में 1959 में जिस प्रकार से सीआरपीएफ के जवान साथियों ने प्राण आहुति दी है, उसी को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष जो भी पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य के पथ पर शहीद होते हैं उनको हम लोग यहाँ एकत्रित होकर स्मृति दिवस के अवसर पर सम्मानित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इस अवसर पर हम लोग सब पुलिस परिवार एवं अन्य लोग, रिटायर्ड अधिकारीगण यहाँ पर पुलिस लाइन में इस अवसर पर उपस्थित हैं।